छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बीच रोजाना अलग अलग मुद्दों में सियासी वार पलटवार नजर आ रहा है। गुरुवार को दोनों नेताओं के बीच जीएसटी को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर आरोप लगाया कि उनकी वजह से छत्तीसगढ़ को हर साल 6000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि ट्रबल इंजन ने 2017 में केंद्र सरकार के दबाव में जीएसटी बिल पर ऐसी शर्तों के तहत स्वीकृति दे दी जो पूरी तरह राज्य के हितों के विरुद्ध थी। उसका दुष्परिणाम है कि राज्य को 6000 करोड़ प्रतिवर्ष की क्षति हो रही है। रमन सरकार का यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है, जनता कभी माफ नहीं करेगी। इसके अलावा भूपेश बघेल ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह की नाकामी की वजह से हर साल 6000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती जीएसटी को स्वीकार कर लिया था। बघेल ने कहा कि साल 2022 के बाद से जो जीएसटी की क्षतिपूर्ति छत्तीसगढ़ को नहीं मिलनी है, इस गलती के लिए डॉक्टर रमन सिंह को राज्य की जनता से माफी मांगना चाहिए कि राज्य का 6000 करोड़ हर साल का नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है, लेकिन भारत सरकार की जीएसटी को लेकर जो नीति बनी है उससे उत्पादक राज्यों का नुकसान हो रहा है। वहीं खुद पर लगे आरोपों का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जीएसटी में नुकसान और घाटा में राज्य का अंश तय है, वह पूर्व से बढ़ा ही है। 32% जो शेयर मिलना है वह मिलता रहता है। अगर अधिक इकट्ठा होगा तो अधिक मिलेगा, कम होगा तो कम मिलेगा। वहीं इस मामले में भाजपा प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूनत ने भी ट्वीट करके सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसा है। मूनत ने कहा कि किसी को गिलास आधा खाली नजर आता है तो कोई मानता है कि गिलास आधा भरा हुआ है। अंतर बस नजरिए का है, आपको सिर्फ कमियां दिखती है जबकि भाजपा को समृद्धि। अपनी सोच को विस्तार दीजिए। जी हाँ, अच्छा सोचिए। मन में सकारात्मक विचार नहीं आते तो राम नाम का जाप कीजिए, शांति मिलेगी। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मोदी सरकार की जीएसटी नीति के खिलाफ हमेशा से मुखर रहे हैं। वाणिज्यिक कर मंत्री टीएस सिंहदेव भी जीएसटी परिषद की हर बैठक में उत्पादक प्रदेशों का नुकसान गिनाया है। बीते साल स्पष्ट हो चुका है कि केंद्र सरकार जून 2022 के बाद उत्पादक प्रदेशों को राजस्व नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।